नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया साल जो है वो इतना शुभ नहीं रहा जितना कि लोगों ने इसकी इच्छा की थी और जितनी लोगों ने पार्टी बनाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी थी। वो इसलिए कि नए साल की शुरुआत में ही हमें ये मालूम पड़ा है कि देश में महंगाई जो है और खासकर खाद्य वस्तुओं की जो महंगाई जो है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। इसे लेकर के आपने तमाम अपने अखबार में पढ़ा होगा, टेलीविजन चैनल्स में देखा होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, इसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ में तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। कांग्रेस से मेबल रिमेलो हैं, शिवानंद तिवारी हैं, जेडीयू से अर्थशास्त्री हमारे साथ में हैं, डॉक्टर अशोक गुलाटी हमारे साथ में हैं, आलोक सिन्हा हमारे साथ में हैं, FCI में काम कर चुके हैं, रोहताश मल हमारे साथ में हैं जो कि कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, और निखिल दे जो कि मजदूर किसान संगठन जो है उससे हैं और राइट टू फूड के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे कलकत्ता स्टूडियो में मोहम्मद सलीम, CPIM के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी मौजूद हैं। मोटी बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने पिछले दिनों में कई सारी रेड्स की, जिसमें CWG की रेड हुई, उसके बाद में 2G वाली रेड हुई, फिर राडिया की रेड हुई, उसके बाद में प्याज की रेड हुई। तो प्याज की रेड इसलिए हुई कि सरकार को लगा कि लोगों ने प्याज जो है उसकी जमाखोरी शुरू कर रखी है, और उसकी वजह से प्याज के दाम जो हैं वो 75-80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने से भी प्याज मंगाई जा रही है, और लगता यह है कि पूरे देश को प्याज से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। लेकिन ये खाना जो है ये क्यों खराब हुआ है, इसके बारे में आज चर्चा करने के लोगों को बुलाया है। प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री का ये कहना है कि उनको ये उम्मीद है कि इस साल देश में जो फार्म सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, उसमें जो ग्रोथ है वो 6% होगी। यानी कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ के बावजूद भी देश में खाने की कमी है, लोगों को एक तरफ खाना नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो खाना मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। और उसकी जल्दी से एक बानगी आपको हम देते हैं कि पिछले साल क्या हालात रहे हैं खाद्य महंगाई के ऊपर। अगर जनवरी 2 से उठा के देखें अब तक, तो ये हालात हैं कि 19% थे फूड इन्फ्लेशन, जो कि 22% पहुंच गया था साल के बीच में, जून के आसपास में, और तब हमने आखिरी कार्यक्रम किया था हम लोग इसके ऊपर। उसके बाद वो लगातार नीचे जा रहा है, और फिर अचानक से 7% से लेकर के वो 18% यहाँ पर पिछले 2 महीनों के अंदर हो गया। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बारिश इस बार हुई है और उससे कई चीज़ों के दाम जो हैं वो यहाँ पर ख़राब हुए हैं। ये तो हो गई बात हिंदुस्तान की और खाद्य पदार्थों की। बाकी लोग दुनिया को उठाकर देखें क्या हालात हैं, तो आपको लगेगा शॉक, और ये शॉक ये लगेगा कि इस समय दुनिया में जो महंगाई का स्तर है वो हमारे मुल्क से ज़्यादा है। ये 2009 में अगर 100 था तो मीट जो है वो बढ़ करके 150 के आसपास हो गया है, और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी लाइन आप ये देखिए, ये 225 के आसपास, यानी कि दुगना हो गया है मिल्क का दाम दुनिया में। शुगर को आप देखिए यहाँ पर उठा करके, ये तिगुने से भी ज़्यादा होकर के 4 गुने के आसपास पहुँच गया है इस साल के अंत में, 2010 के अंत में। ये ग्लोबल प्राइसेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है यूरोप में इस समय 30% इन्फ्लेशन चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन जो है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और हम क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं शायद प्याज नहीं खाते तो उस पर झगड़ा इतना नहीं होता। जल्दी से मैं बताऊं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है, समस्या यह है कि जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको अगर हम देखें तो उसमें हिंदुस्तान इस समय अव्वल नंबर पर है। ये सारे इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं जिसमें चीन है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, और कोरिया है, जो कि हमारी तरफ के मुल्क हैं, और हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान की लाइन आप देख सकते हैं कि 2009 के बाद से इसने बाकी लाइन को छोड़ दिया है, और सबसे ऊपर जो है ये अलग चल रही है। तो